हेलो दोस्तों कैसे हैं? आप सभी मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेटोलॉजी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एम को और इन एमसी के जरिए हम कंसेप्ट को भी समझेंगे जिससे कि आगे जाके हमें कभी भी दिक्कत ना आए दोस्तों अलग अलग बैचेस हम रन करें हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है लीगल पेडागलॉजी जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर डी यू एल एल वी बी एच यू एल एल वी एम एच सी टी और बाकी थ्री ईयर एल एल बी एंट्रेंसेस के लिए तो दोस्तों पहला सवाल है अमंग द द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल ऑल पब्लिक आर ओपन टू तो दोस्तों आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज टू कहता है कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेज हैं इंक्लूडिंग द रेस्टोरेंट घाट हुए और बाकी जगहें ये सारी जगहें सारे ही जनता के लिए सारे ही नागरिकों के लिए ओपन है किसी को भी वहां पर एंट्री डिनाई नहीं की जा सकती है इस बेसिस पर कि उसका रिलीजन क्या है या उसकी कास्ट क्या है या उसका रेस क्या है तो ये बोलता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 अगला सवाल है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया यूनियन है सारे राज्यों का तो ये कहां से कंसेप्ट लिया गया है ये कंसेप्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से और इसी ऑस्ट्रेलिया से हमें कॉन्क्यूरेंट लिस्ट भी मिली है तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन अगला सवाल है विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एफॉर्म द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स तो दोस्तों अमेंडमेंट थी ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन ये ईयर भी आपको याद रखना है जिसके जरिए ये बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का कोई भी हिस्सा अमेंड कर सकती है उसमें संशोधन ला सकती है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स अगला सवाल है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज तो ऑफिशियल लैंग्वेज से कौन सा पार्ट डील करता है तो पार्ट है पार्ट पार्ट सेवेंटी डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज अगला है हेबियस जो एक प्रकार की रिट है इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो दोस्तों हेबियस एक रिट है और रिट जुरिस्डिक्शन की बात किस आर्टिकल में की गई है आर्टिकल थर्टी टू में की गई है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है और ये नागरिकों को अधिकार देती है कि अगर उनका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट जोरिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है और आर्टिकल 226 टू सिक्स हाई कोर्ट की रिट जोरिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है सो इट इज एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट तो दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अलग अलग स्टेटमेंट्स यहां पे दी गई हैं तो पहली है ही द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट ये गलत स्टेटमेंट है दूसरा है ही नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन बट हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ हाउस विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम हिज डेट ऑफ इलेक्शन ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जिस समय पे कोई इंसान स्पीकर बनाया जाता है उस समय पर वो उस हाउस का सदस्य होना चाहिए हर हाल में अगला है ही हिज ऑफिस इफ द ऑफिस इज डिजोल्व बिफोर द एंड ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर तो ये भी स्टेटमेंट गलत है अगर जो हाउस है वो भंग कर दिया जाता है तो जो स्पीकर है उनका टेन्योर उसी समय तुरंत एंड नहीं होता है ठीक है अगला है इफ ही इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ इज रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस टू द डेप्यूटी स्पीकर तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है अगर स्पीकर रिजाइन करना चाहते हैं तो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसको देता है डेप्यूटी स्पीकर को और वहीं डेप्यूटी स्पीकर अगर करना चाहते हैं तो वो स्पीकर को देगा बाई चांस अगर डेप्यूटी स्पीकर की पोजिशन कोई होल्ड नहीं कर रहा है उस समय पर तो सेक्रेटरी जनरल जो होगा उसको इस्तीफा दिया जाता है ठीक है अगला सवाल है द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इनकंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तो दोस्तों जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है जो कि हमारे भारत के संविधान में दिया गया है वो किस किस संविधान से इन्फ्लुएंस्ड है वो इन्फ्लुएंस्ड है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से और आर्टिकल ट्वेंटी वन जिसमें जिक्र प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का आता है वो भी कहाँ से लिया गया है ये कंसेप्ट भी कहाँ से लिया गया है प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ ये भी जापान से ही लिया गया है अगला सवाल है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिस्स ऑफिस बाय तो दोस्तों जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको हटाने का तरीका एकदम सिमिलर होता है एज दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है जिसमें टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों ही हाउसेस की ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा की भी राज्यसभा की भी दोनों ही हाउसेस से वो रेजोल्यूशन उनके रिमूवल का पास होना चाहिए बाय टू थर्ड मेजोरिटी अगला सवाल है द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर तो दोस्तों आप सभी को देश में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता है आजादी है इसके बारे में कहां पर बताया गया है इसके बारे में बताया गया है अंडर आर्टिकल 19. फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी में ही है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी इसी में ही है और राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो भी आर्टिकल 19 में ही बताया गया है अगला सवाल है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज तो दोस्तों ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो बात करता है कि इन्वायरमेंट को बचाया जाए फॉरेस्ट को बचाया जाए वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए तो ये एक प्रकार का डी भी है और ये एक प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटी भी है डी की बात करें तो फोर्टी एट सब क्लॉज ए इस आर्टिकल में इसका जिक्र है तो ये एक प्रकार की डीपीएसपी भी है डायरेक्टिव भी है जो कि स्टेट्स को दिया गया है और ये हम सारे नागरिकों की एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है अगला है इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड सवाल तो आपसे पूछा इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मैं सारी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ूंगा मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्शन प्रोसेस का प्रोसीजर क्या होता है तो दोस्तों इलेक्शन प्रोसीजर के लिए कि भाई अब दो महीने बाद इलेक्शन होने चाहिए या तीन महीने बाद होने चाहिए इसका रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट ठीक है गवर्नमेंट इसकी रिकमेंडेशन देती है ठीक है कि अब से दो महीने बाद इलेक्शन कराए जाएं या तीन महीने के बाद की कराए जाएं और इसकी नोटिफिकेशन कौन जारी करता है आपने देखा भी होगा मीडिया में आके इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन फिर चुनावों की तारीख की घोषणा करता है तो रिकमेंडेशन कौन देता है गवर्नमेंट और इसकी नोटिफिकेशन कौन इशू करता है नोटिफिकेशन इशू करता है इलेक्शन कमीशन अगला सवाल है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स आर मेड तो आप जैसे कि जानते हैं कि कई जगहों पर कई राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि स्टेट्स में दो हाउसेज हैं एक है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा कहा जाता है दूसरा आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद कहा जाता है ये हर राज्य में नहीं है ऐसे दो हाउसेस मोस्टली हमारे यहां जो राज्य हैं वहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है पर जिन भी हाउसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली है मतलब जहाँ जहाँ राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो विधान परिषद जहाँ जहाँ भी है वो ऐसे डायरेक्टली नहीं बन गई है उसके लिए प्रोसेस क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन पहले पास होगा कहाँ से पास होगा उस राज्य की विधानसभा से उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी स्पेशल मेजोरिटी से कि हमें एक विधान परिषद चाहिए राज्य में उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन होगा इसको पार्लियामेंट के पास भेजा जाएगा ठीक है और जब वो वहाँ से पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी से पास होकर आ जाएगा उसके बाद उस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी तो कौन सा आर्टिकल डील करता है विद रिगार्ड टू क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो है आर्टिकल 169। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 12 सवाल आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने इसमें से करेक्ट हुए और कितने राज्यों में अभी करंटली कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है थैंक यू सो मच इस चैनल का अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें थैंक यू सो so मच